हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अंजु राजपूत और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बहुत सुंदर सा एकादशी भजन। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो हमारे सारे काम हो चुके हैं, हमने खाना भी, कोई हमारे यहाँ आया है? हाँ, हमारे देवर आए थे तिरपाल देने। हमने आपको दिखाया था, जो हमने छत पर तिरपाल लगाया था वो हमारा तिरपाल आंधी में उड़ गया था फ्रेंड्स, तो हमने उसको रख दिया था संभाल के। तो अभी जन्माष्टमी के दिन बहुत तेज बारिश होने लगी थी, तो मंदिर में पानी बहुत ज्यादा आ रहा था, तो हमने अपना वही तिरपाल दे दिया था उनको, तो मंदिर में उन्होंने लगा लिया था। तो अब वो वापस देने आए थे, तो हमने ले लिया है, रख दिया है। तो हम बात कर रहे थे आपसे कि हमारे सारे काम हो गए हैं, हम 4 बजे उठे थे, बच्चों के लिए टिफिन भी बना दिया है, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चे अब स्कूल जाते हैं। तो बच्चों का स्कूल खुल गया है ये तो ठीक है कि बच्चे का कोर्स पूरा हो जाए। सारे बच्चों का कोर्स पिछड़ गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कोरोना की तीसरी वेव भी आने वाली है, तो इस टाइम थोड़ा सा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन मन बहुत चिंतित रहता है कि पता नहीं कैसे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं वहाँ, क्या नहीं है घर में। तो हम लोग अच्छे से केयर करते थे, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन स्कूल में कैसे चल रहा है इसके बारे में तो नहीं पता है। वैसे बच्चों के लिए हम सैनिटाइज़र भी दे देते हैं और बार बार बोल देते हैं कि हैंड वॉश करने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंसिंग दूरी भी बना के रखिएगा। हम बच्चों से यही बता के चलते हैं, बच्चे जाते हैं लेकिन मन नहीं मानता है। तो स्कूल खुलना सही भी है कहीं तक और कहीं तक नहीं भी सही है। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है स्कूल खुलने की वजह से, और इसीलिए मन थोड़ा दुखी रहता है। तो आज एकादशी थी, तो हमने सोचा कि हम आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सा एकादशी पर भजन सुनाएं, तो हम इसलिए आपके लिए भजन लेकर आए हैं। आप भजन सुनिए और आनंद लीजिए। भजन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा।
हमारा एकादशी का भजन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, कल हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप सभी लोग हमारी कल वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। हम रुद्राभिषेक की वीडियो कल आपको देंगे, तो हम कल रुद्राभिषेक करा रहे हैं। घर पर पूजा है हमारे, तो पूजा की भी तैयारी चल रही है घर घर में, हम पूजा की तैयारी में भी लगे हुए हैं। तो फूल वूल हम आज ही ऑर्डर दे दिए हैं, कल हमें फूल मिल जाएंगे। तो रुद्राभिषेक हम वैसे तो सावन में करवाना चाह रहे थे, हर बार हम सावन में ही करवाते थे, लेकिन इस बार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हम सावन में रुद्राभिषेक नहीं करवा पाए। तो हमने अपने गुरुजी से पूछा था कि सावन के अलावा हम भादों में करवा सकते हैं या नहीं, तो हमारे गुरुजी ने कहा, हमको 3-4 डेटें बताई थी, तो हमने 3 तारीख सेलेक्ट की है। तो 3 तारीख को हमारे यहाँ रुद्राभिषेक है, तो कल 3 तारीख है, और गुरुजी के हिसाब से कल शिववास भी है, तो हम लोग कल भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करेंगे। आप सब लोगों को हम पूरा वीडियो दिखाएंगे, आप सब लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको विधिवत दिखाएंगे कि पूजा कैसी रहती है। रुद्राभिषेक वैसे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी भोले बाबा की पूजा है, बहुत सारे संकट दूर होते हैं रुद्राभिषेक से। हमारे घर में भी बहुत सारी परेशानियाँ थी, तो किसी ने हमको बताया था रुद्राभिषेक करवाने के लिए, तो हमने रुद्राभिषेक करवाया था। पहली बार करवाया तो हमारे बहुत सारे संकट जो थे दूर हुए। उसके बाद फिर हमने दोबारा करवाया तो हमें और भी ज़्यादा रिलीव हुआ। तो इसी वजह से हमने सोचा था इस बार सावन में भी करवाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया था, तो अब हम भादों में करवा रहे हैं। भोले बाबा का रुद्राभिषेक ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आपके पास किसी तरह की परेशानी है तो आप भोले बाबा का रुद्राभिषेक जरूर करवाइए, वो भी अपने घर पे करवाइए। तो कल हमारी रुद्राभिषेक की पूजा कैसे होगी हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। आप सब लोग हमारी वीडियो को देखिएगा, तो इसलिए हम आपको पहले से बता रहे हैं कि हम कल रुद्राभिषेक करवाएंगे और आप लोगों के साथ अपनी पूरी वीडियो शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।